हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ मेबेलिन फिटमी फाउंडेशन का। वैसे तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस हो चुका है ये फाउंडेशन इस टाइम पर। अफोर्डेबल फाउंडेशन में इससे बेटर फाउंडेशन मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं है, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है इस टाइम पर। तो चलिए बताती हूँ मैं इसको आपको इसके बारे में। तो ये जो फाउंडेशन है, इस तरह की कांच की बोतल में ये आता है, और इसमें बस एक ही जो है ना, इसकी बुराई है कि इसके अंदर कोई पंप या कोई स्पैटुला नहीं है इसको मतलब अप्लाई करने के लिए। बहुत ही मतलब वैसे निकालिए और फिर लगाइए तो बहुत ही मतलब ढक्कन और इसकी बोतल की जो कैप ये नोजल है बहुत ही मतलब गंदी सी हो जाती है। तो बस इसका यही एक प्रॉब्लम है, बाकी इसमें सब कुछ चीज़ अच्छी है। और इसका जो प्राइस है वो इसका प्राइस इस पर है 549 रुपीज़, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है 549 रुपये का। और वैसे ये ऑनलाइन आपको बहुत ही डिस्काउंट में मिल जाता है, अब तो ये 350-450 के बीच में आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं, और इस पर डिस्काउंट चलता ही रहता है। और इसमें बहुत सारे शेड रेंज भी इसमें इसकी काफ़ी सारी अच्छी है। कम से कम मेरे ख्याल से इसमें 15-16 शेड्स हैं, और मेरा जो शेड है वो है इसमें 300x322 वॉर्म हनी, जो कि मेरे स्किन से बहुत ही परफेक्ट मैच करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ब्लेंडेबिलिटी इसकी जो है बहुत ही अच्छी है, आप मतलब इसको लगाइए और सिर्फ अपने मतलब मेकअप ब्रश को या फिर ब्यूटी ब्लेंडर को सिर्फ ऐसे ऐसे आराम से एंजॉय करते हुए लगाइए, तभी ये ब्लेंड हो जाता है। कोई इसमें आपको ज़्यादा ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो फिनिश आती है, फिनिश भी इसकी इतनी अच्छी आती है, एकदम नेचुरल फिनिश आती है। देखिए मैंने अभी ये लगाया है और कितना अच्छा फेस पर ये लगता है लगाने के बाद, और बहुत ही और कवरेज भी इसकी काफ़ी अच्छी है, मीडियम टू हाई कवरेज ये देता है। और आराम से आप इसको बिल्ड भी कर सकते हैं, फुल कवरेज तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसका डेमो देखने से पहले मैं आपको इसकी एक्सपायरी डेट बता दूं। तो इसकी जो इस पर डेट मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी डेट है जुलाई 2019, और इसकी एक्सपायरी जो डेट है वो है दिसंबर 2020। तो आप इसे आराम से 1-1.5 साल तक आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसका डेमो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डेमो। और फाउंडेशन लगाने से पहले मैंने अप्लाई किया है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर, जो कि प्राइमर की तरह बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अब हम लगाएंगे अपना फाउंडेशन। तो चलिए इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा शेक कर लेते हैं, मतलब हिला के अच्छे से मिला लेते हैं इसको। उसके बाद मैं थोड़ा सा लूँगी अपने हाथ पर। और अब मैं इसको डॉट डॉट करके लगाऊंगी अपने फेस पर। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये, इतना आराम से मतलब ब्लेंड होता है कहने, और बहुत ही अच्छी इसकी फिनिश आती है। और कवरेज इसकी जो है वो मीडियम टू फुल कवरेज है, आप इसको आराम से बिल्ड कर सकते हैं और अपने। तो चलिए अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं हम। ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी अपना ये मेकअप स्पंज, ब्यूटी ब्लेंडर। और देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, मतलब इसको ब्लेंड करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अपना ब्लेंडर लेना और सिर्फ आराम से ऐसे इंजॉय करते हुए इसको ब्लेंड करना है। इतने आराम से ये मतलब ब्लेंड हो जाता है, देखिए कुछ भी मैंने नहीं किया है, कोई एफर्ट नहीं डाला, फिर भी देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। स्पंज के साथ जो है इसकी कवरेज थोड़ी कम आती है, ब्रश के साथ इसकी कवरेज मीडियम आती है, और आप इसको बिल्ड करके आराम से इससे हाई कवरेज पा सकते हैं। ये देखिए कितने मतलब आराम से ये ब्लेंड हो गया है। और इसने मुझे अभी मैंने बहुत ही कम लगाया था, इसीलिए इसने मुझे अभी बहुत ही कम कवरेज दी है, लेकिन अगर इसको मैं दोबारा लगाऊंगी तो ये मुझे आराम से मीडियम टू हाई कवरेज दे देगा। ब्लेंड करने में मैं थोड़ा सा और लगाऊंगी अपने दूसरे।
अभी साइड में यूज करूंगी अपना ये रियल टेक्निक का बफिंग ब्रश। देखते हैं ब्रश के साथ इसकी कैसी कवरेज आती है और कैसी फिनिश आती है। ब्लेंड ये इतना आराम से होता है, ब्रश के साथ करिए चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करिए, ब्लेंड करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मतलब ब्लेंड इतने आराम से हो जाता है, ये बस हाथ लगाया और ब्लेंड हुआ। और अपने कान पर लगा लीजिए, जो बचा है उसको अपने नेक पर आराम से लगा लीजिए। देखिए ये ब्रश के साथ भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया और स्पंज के साथ भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया दोनों साइड। इस तरफ इसकी थोड़ी कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये ब्रश के साथ लगाया मैंने, स्पंज के साथ क्या होता है कि वो प्रोडक्ट थोड़ा आपको एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से कवरेज थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसकी एक और लेयर लगाऊंगी, तो देखते हैं ये बिल्ड करना कितना आसान है, बिल्ड होता है या नहीं आराम से। इस साइड में फिर से अपना ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करूंगी। देखिए इसकी सेकंड लेयर भी बड़े आराम से ब्लेंड हो गई है, तो आप इसको आराम से इस दो लेयर इसकी आप आराम से लगा सकते हैं और कवरेज अपनी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आराम से ये ब्लेंड हो रहा है, इसकी सेकंड लेयर भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है। ये देखिए सेकेंड लेयर लगाने के बाद इसकी कवरेज जो है मीडियम हो चुकी है और बहुत अच्छे से इसने मेरे पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल को भी कवर किया है काफ़ी हद तक। तो आप आराम से इसकी दूसरी लेयर भी लगा सकते हैं। और अब इस साइड भी मैं इसकी एक और लेयर लगाऊंगी ब्रश के साथ। तो दोस्तों आप इसको बड़े आराम से मतलब ब्लेंड कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं और ये आपको आराम से मीडियम टू हाई कवरेज दे देगा। आप देखिए इसने मुझे कितनी अच्छी कवरेज दी है, इस साइड काफ़ी हद तक मेरे पिगमेंटेशन डार्क सर्कल कवर हो चुके हैं। पहले से ये मेरा फाउंडेशन फेवरेट है, तो मुझे तो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी इसको अगर, वैसे तो सब लोगों ने ट्राई कर ही लिया होगा लेकिन जिसने ना ट्राई करा हो वो ज़रूर एक बार इस फाउंडेशन को ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का मेरा रिव्यू इस मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब के साथ जो घंटी है उसे भी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।